स्वागत है आप सबका सोमनाथ के सेकंड एपिसोड में। सोमनाथ के फर्स्ट एपिसोड में आप ये दर्शन महादेव के, सोमनाथ के इस सेकंड एपिसोड में आप देखेंगे बालका तीर्थ, बाणगंगा, त्रिवेणी संगम, हिंगलाजमा टेम्पल, सूर्य मंदिर और सोमनाथ वॉकवे से गोल्डन सनसेट को होता हुआ। प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होने के लिए यहीं पे है श्री राम मंदिर, जो सोमनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे उपस्थित है। सोमनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये त्रिवेणी संगम, जहाँ पे होता है 3 नदियों का संगम, कपिला, हिरण्य और सरस्वती। और अगर आप आते हैं यहाँ पर दिसंबर से लेकर फरवरी तक, तो आपको ये खूबसूरत पक्षी नज़र आ जाएंगे, जिन्हें सीकुल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यहाँ से संगम पॉइंट को देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा, उसके लिए आपको यहाँ से बोट में जाना होता है और बोट का चार्ज है 50 रुपये, जो आपको सिर्फ 5 मिनट में त्रिवेणी संगम तक ले जाती है। पूरे भारत में आपको इस जगह सोमनाथ में सरस्वती माता का संगम स्थल देखने को मिलता है, यानी कि साक्षात सरस्वती माता को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। त्रिवेणी संगम से 200 मीटर की दूरी पे है 5 पांडव गुफा, सूर्य मंदिर, जो आपको भारत में बहुत कम जगह पर नजर आएंगे, और हिंगलाजमा टेम्पल। कवि दंतियों के कथन के अनुसार अज्ञातवास के दौरान कुछ समय पांडवों ने यहाँ पे गुजारा था। અજ્ઞાતવાસ દરમિયાન જે પાંડવો છે અહીંયા 1 વર્ષ માટે અહીંયા રહ્યા। अभी हम आ चुके हैं बाणगंगा पे, जिसकी दूरी है सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की। यहाँ पर सुबह समंदर देवता करते हैं शिवलिंग पर जल अभिषेक। यहाँ पर 3 शिवलिंग बने हुए और इसी स्थल से बहलिया जी ने कृष्ण को गलती से तीर मारा था। 4 किलोमीटर की दूरी पे है ये बालका तीर्थ, जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। बालका तीर्थ की उत्पत्ति भगवान कृष्ण के द्वारा की गई है। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अपने मित्र बालक राजा के साथ मिलकर तपस्या की और बालका तीर्थ के इस भव्य मंदिर को स्थापित किया था। बालका तीर्थ के पास स्थित सूर्य कुंड नामक कुंड में सूर्य देव का पूजन करने का विशेष महत्व है। इसी पवित्र स्थल पर बहलिया जी ने बाणगंगा से श्री कृष्ण पर तीर छोड़ा था। मंदिर के अंदर आपको एक पीपल का वृक्ष नजर आएगा, जो महाभारत काल के समय का है, जिसके नीचे श्री कृष्ण बैठे हुए थे और बहलिया जी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मारा था। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है और मंदिर के अंदर आपको बहलिया जी श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए नजर आएंगे। इसी घातक तीर के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की मनुष्य लोक से विदाई हुई थी और वो अपने निज धाम यानी वैकुंठ धाम में अपने चरण पादुका को छोड़कर चले गए थे। प्रतिवर्ष यहाँ पर अनेक श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। सोमनाथ मंदिर से बालका तीर्थ तक का सफर भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है और यह स्थल भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सोमनाथ मंदिर से 500 मीटर की ही दूरी पर है ये समुद्र दर्शन पथ, और उसकी दाहिनी ओर जो रास्ता जाता है वो जाता है त्रिवेणी संगम की तरफ, बाईं ओर जो रास्ता जाता है वो जाता है सोमनाथ मंदिर की तरफ। सोमनाथ समुद्र पथ में एंट्री करने के लिए आपको अपनी जेब से खर्चने पड़ेंगे 5 रुपये और 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। आप करना चाहते हैं यहाँ पर साइकिलिंग, तो उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 20 रुपये। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है ये सोमनाथ वॉकवे। यहीं पर आपको नजर आ जाएगी ये 16 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा, जो अभी बनी हुई है सोमनाथ वॉकवे का मुख्य केंद्र स्थल। मैं अभी आ चुका हूँ सोमनाथ वॉकवे के इस गोल्डन सनसेट पॉइंट पे। यहाँ से आपको सोमनाथ मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा नजर आएगा। यहीं से आप देख सकते हैं सनसेट को होते हुए। काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं इस बेहतरीन नज़ारे को कैप्चर करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हो हमारी चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।